Hello student, today we are explaining chapter number 11 that is the measurement of a capacity. इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको लेंथ का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, वेट का मेजरमेंट कैसे किया जाता है ये एक्सप्लेन किया था. अब हम कैपेसिटी का मेजरमेंट कैसे किया जाता है ये एक्सप्लेन करेंगे. बट कैपेसिटी का मेजरमेंट करने के पहले कैपेसिटी क्या होती है इसको हम समझ लेते हैं कि कैपेसिटी क्या होती है. आपने देखा होगा कि सब्सटेंस सच एज मिल्क, वॉटर, ऑयल, ये सब कौन से फॉर्म में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं. कौन से फॉर्म में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं. मिल्क की बात करते हैं या वॉटर की बात करेंगे या फिर ऑयल की बात करते हैं तो ये सब कौन से फॉर्म में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं. तो जो लिक्विड होते हैं इनकी क्वांटिटी को अगर मेजर करना होता है तो ये कंटेनर को होल्ड कर लेते हैं. जैसे मैंने सपोज मिल्क की बात करती हूँ तो मिल्क में आपको अगर मैंने ग्लास में लिया है तो ग्लास का शेप ले लेगा, और अगर मैंने किसी कप में लिया है तो कप का शेप ले लेगा, अगर मैंने बड़े ग्लास में लिया है तो बड़े ग्लास, मतलब जो जो से भी वेजर्स में हम उसको लेते हैं उस कंटेनर का शेप ले लेता है, उस कंटेनर को होल्ड कर लेता है. तो ये जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है, द क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड दैट कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड अ कैपेसिटी. इसी को हम कैपेसिटी बोलते हैं. क्योंकि जो लिक्विड होते हैं जैसे वाटर है, वाटर को हम ग्लास में लेंगे तो ग्लास का शेप लेगा, किसी बकेट में ज्यादा वाटर है तो भर देंगे तो उसका शेप ले लेगा, बॉटल में भरेंगे तो बॉटल का शेप ले लेगा. तो द क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड दैट अ कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड अ कैपेसिटी. मतलब जो होल्डिंग क्या होती है, जो लिक्विड की होल्डिंग क्वांटिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटी बोलते हैं. ओके, अगर मैंने यहाँ पर टू मेजरमेंट के कप बनाया है, एक बिगर कप बनाया है और एक स्मॉलर कप बनाया है, अब बताइए कि किसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होगी? बिगर कप की कैपेसिटी ज्यादा होगी कंपैरिजन टू स्मॉलर कप. अगर उसका शेप और साइज बड़ा है तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी. तो ये आपको कैपेसिटी समझ में आ गया. अब इसकी बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो इसकी हम काइंड मेजर करते हैं लीटर या फिर मिलीमीटर. मिलीमीटर मिलीमीटर, इसको शॉर्ट फॉर्म इसका क्या होता है? एमएल. क्या होता है इसका शॉर्ट फॉर्म? एमएल. मिलीलीटर को कैसे लिखते हैं? एमएल से लिखते हैं. ठीक है, तो अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ को हम मीटर सेंटीमीटर में करते थे, वेट की बात करेंगे तो किलोग्राम और ग्राम में उसका मेजर करते थे. ऐसे ही अगर कैपेसिटी की बात होती है तो उसका मेजरमेंट लीटर में होता है या फिर मिलीलीटर में होता है. 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होते हैं. और जो स्मॉलर कंटेनर होता है स्मॉल यूनिट का मेजरमेंट मिलीलीटर से होता है, बिगर यूनिट का मेजरमेंट लीटर से होता है. ये आपको ध्यान रखना है. अगर हमारे घर में हम दूध लेने जाते हैं या ऑयल लेने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? 1 लीटर ऑयल देना, 1 लीटर मिल्क देना. और मिलीलीटर के लिए उससे भी कम क्वांटिटी में अगर कोई चीज लेने जाएंगे तो उसको मिलीलीटर में हम यूज करते हैं. आपकी बुक में बहुत सारे फिगर्स दे रखे हैं जिससे किसी भी वेजर्स शोज 1 लीटर केरोसिन ऑयल टू पेट्रोल. ये देखिए आप अलग अलग मेजरमेंट के फिगर्स आपको इसमें गिवन है. ये फिगर्स सब सारे फिगर्स आपको दे रखे हैं. इससे क्या मिल्क का जो मेजरमेंट होता है वेजल्स इस वेजल से होता है. ऊपर वाले फिगर में केरोसिन है या ऑयल का मेजरमेंट किया जाता है. अब आते हैं पेज नंबर 127 मेडिसिन इन अ टेबल स्पून. अगर आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको बोलता है 1 टेबल स्पून मेडिसिन आपको लेनी है. तो वो सिरप हम जो लेते हैं हमारे जो चम्मच में होता है स्पून में होता है तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है. तो उसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? मिलीलीटर से, एमएल से. सूप इन अ बाउल, बाउल में जो सूप होता है कटोरी में हम सूप लेते हैं वो भी बहुत कम क्वांटिटी में होता है तो उसका मेजरमेंट भी एमएल से किया जाएगा. मिल्क इन अ बेबीज फीडिंग वॉटर,
जो वाटर रहती है उसमें अगर मिल्क भरेंगे तो वो कि उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, वो भी एम एल नहीं होगा। मिल्क इन अ ग्लास, ग्लास में जो मिल्क कम पीते हैं वो भी मिलीलीटर में होगा। वर्किंग ऑयल इन अ केन, जो केन रहते हैं उसमें अगर ऑयल लाते हैं तो वो कायम होगा लीटर में, वो कायम होते हैं लीटर में। वाटर इन अ टैंक, वो भी लीटर में होगा। टैंक में अगर वाटर होगा तो ज्यादा ही होगा, जिसमें क्वांटिटी जैसे मिल्क का केन है, सॉरी ऑयल केन है तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा है तो वो लीटर में उसका मेजरमेंट है। उसके बाद वाटर टैंक है तो उसका भी मेजरमेंट कायम होगा लीटर में ही होगा। राइट द नेम्स ऑफ फोर ऑब्जेक्ट हूज कैपेसिटी इज मोर देन वन लीटर, मतलब ऐसे फोर ऑब्जेक्ट आपको बताना है जिनकी कैपेसिटी वन लीटर से ज्यादा हो। तो टैंक, वाटर टैंक बोल सकते हैं अपन, वाटर टैंक की तो वन लीटर से ज्यादा ही होती है वाटर टैंक। एंड कैन, टब, इनकी कैपेसिटी वन लीटर से ज्यादा होती है। ऑयल कैन, राइट द नेम्स ऑफ फोर ऑब्जेक्ट हूज कैपेसिटी इज लेस देन वन लीटर, मतलब वन लीटर से कम कैपेसिटी, वन लीटर से कम कप जिसमें हम मिल्क पीते हैं, कप, स्पून, बॉटल, बॉटल की कैपेसिटी भी वन लीटर से कम आ सकती है, बाउल। इन सब और आप इसके अलावा डिफरेंट, जरूरी है कि जो मैंने बताए हैं इसके अलावा भी आप डिफरेंट इसमें क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं पेज नंबर 128 पर। देखिए अब इसमें एडिशन करना है तो लीटर जैसे हमने पहले करा था, लीटर का लीटर 602 8 702 कितने जाएंगे, ये 9। यहाँ पर भी लीटर के प्लेस पर लीटर आ जाएगा, 5 + 4 9, 8 + 4 12, 2 1 3 2 1 3 1 4। 0 में 8 प्लस करेंगे तो 8 का 8 ही आना है, 602 कितने जाएंगे 8, 602 कितने जाएंगे 8। और यहाँ क्या आ जाएगा मिली लीटर, और यहां क्या आएगा लीटर, 5 + 4 9।
यहाँ पे पहले हम मिलीलीटर राइट करेंगे, यहाँ मिलीलीटर 8 + 4 12 × 2 वन के जी, 8 और 1 कितने हो जाएंगे 9, 2 और 1 3 या जाएगा लीटर, 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, 7 और 6 13 × 3 वन के जी, 5 और 1 6 इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन आपको करना है एडिशन के, सब्ट्रैक्शन है, ये वाला क्वेश्चन जो फर्स्ट वो दे रखी है गिवन है 549 एमएल, वो रॉन्ग है, इसको काट दीजिए आप, पूरी रो काट कर जाएगी। सेकंड से करना, सेकंड रो से करेंगे 84 - 59 है, 4 का क्या हो जाएगा 14 और 8 का क्या हो जाएगा 7, 14 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10, 11, 12, 13, 14 5 आएगा, 7 में से 5 लेकर कितने बचेंगे 25 लीटर, 105 लीटर फाइव में से 4 गए तो कितने बचेंगे 1, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे 4, 41। ऐसे अगर लीटर वाले मिली लीटर वाले कॉलम को देखें तो इसमें भी ऐसे करना है आपको, एट में से 7 माइनस करेंगे 1, यहाँ लीटर मिली लीटर आ जाएगा, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, 1 का क्या हो जाएगा 11, 11 में से 5 माइनस करेंगे 6, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, यहाँ आ जाएगा लीटर, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 1 का क्या हो जाएगा 11, 3 का क्या हो जाएगा 11 में से 7 गए 8, 9, 10, 11 4 बचेंगे। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वाट्सअप करने टर्न द पेज, पेज नंबर 130 मेंटल मैथ से बेस्ड ऑन चैप्टर 8 to 11, चैप्टर 8 to 11 से बेस्ड आपका मेंटल मैथ से जो आपको करना है इसमें, फर्स्ट उसमें हैवियर ऑब्जेक्ट पे टिक करना है, तो जो बुक है वो हैवियर होगी और जो एलिफेंट है वो भी हैवियर होगा, उस पर टिक करना। नेम द ऑब्जेक्ट विच नियर वेट, आपको ऑब्जेक्ट के नेम लिखने हैं। इज द कैपेसिटी ऑफ योर वाटर बॉटल मोर देन 1 लीटर, आपकी जो वाटर बॉटल है उसकी कैपेसिटी मोर देन 1 लीटर है, नो नो आएगा। टू वाटर होल्डर कंटेन 1 लीटर ऑफ वाटर, राइट द कैपेसिटी ऑफ दिस वेजल एज पर वाटर होल्डर शोन, ये जो वेजल से इसकी कैपेसिटी है 2 लीटर और जो दूसरा वाला वेजल है उसमें कैपेसिटी 4 कप दे रखे मतलब 4 लीटर, ये कप को काउंट करके आपको कैपेसिटी लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 लीटर है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 कप्स हैं तो 8 लीटर है, मेजरमेंट 8 है तो 8 लीटर है। ओके, तो आपका ये जो चैप्टर नंबर 11 है कंप्लीट हो चुका है, आई होप कि सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। थैंक्स।